Good afternoon, dear students. Namaskar. You all are watching us on e-vidya channel number 10. और students, आज का ये हमारा सत्र है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स का. और आज हम क्या मैथमेटिक्स में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है ट्राइंगल्स पार्ट 3. और इसे पढ़ाने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन से मौजूद हैं मैम, मिस सविता ग्राक मैम. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में. नमस्कार मैम. जी कुसुम जी, नमस्कार. और हमारे सभी दर्शकों को भी प्यार भरा नमस्कार. जी, सविता मैम है टीचर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र से. तो स्टूडेंट्स, मैम बताएंगी आपको ट्राइंगल्स के बारे में. और आपने इसके पहले भी पार्ट्स देखे होंगे ज़रूर. अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके यूट्यूब पे NCERT ऑफिशियल पर देख सकते हैं. और हम बता देते हैं आप किस तरह से अपनी फीडबैक, अपनी प्रतिक्रियाएं पहुंचा सकते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे. हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559 पर. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cieet.nic.in पर. और इस सत्र को शुरू करने से पहले हम बता देते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट G20 से रिलेटेड. वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023. अ नेशन डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरिज्म, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वुड बी अ वॉटरशेड मूवमेंट इन हर हिस्ट्री एज इट सीक्स टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय फाइंडिंग प्रैग्मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. और इसी के साथ हम आज का ये सत्र यानी मैथमेटिक्स का सत्र कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए शुरू करने जा रहे हैं. और हम रुक करते हैं मैम की तरफ और मैम बताएंगी ट्राइंगल्स पार्ट 3 के बारे में. जी मैम. जी कुसुम जी, जैसा कि आपने अभी बोला कि ट्राइंगल्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थी काफी कुछ सीख चुके हैं. उन्होंने जो जो टॉपिक सीखे, लेट अस डिस्कस द सेम फर्स्ट. बच्चे हमारे सीख चुके हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी. टुडे वी विल स्टडी अबाउट सम रूल्स टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट. तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं. BPT थ्योरम हमने सॉल्व की और इसके साथ ही साथ कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम सॉल्व की, उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए. तो एक बार वापस हम रिकॉल करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हम बोल सकते हैं BPT और थेल्स थ्योरम. सो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सेम थ्योरम, सो दैट एक बार फिर से हमारे विद्यार्थियों के लिए रिकॉल हो जाए कि BPT में हमने क्या सीखा था. BPT में बेसिकली हमने जो सीखा दैट वॉज व्हाट, कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, इफ आई डू हैव अ ट्राइंगल विद मी, और उस ट्रायंगल में हम कोई भी एक लाइन, लेट मी से दिस इज द ट्रायंगल नेम्ड एज ट्रायंगल ABC, और ABC ट्रायंगल में आई एम ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट नेम्ड एज DE, और ये DE जो लाइन सेगमेंट है दिस इज पैरेलल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल विद साइड BC. जब भी ऐसा होगा कि कोई लाइन और लाइन सेगमेंट किसी एक साइड के पैरेलल है, तो इट इज श्योर कि वो बाकी दोनों जो साइड्स हैं ट्रायंगल की उन्हें इक्वल रेशियो में ही डिवाइड करेगा. दैट मींस हियर AD रेशियो BD विल बी इक्वल्स टू AE रेशियो CE. तो इसी रिजल्ट से जुड़ता हुआ हम एक क्वेश्चन फिर से सॉल्व यहां पर कर रहे हैं. व्हाट द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज प्रूफ दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल ABC ड्रॉ की है, लेट इट बी ट्रायंगल ABC. ABC ट्रायंगल में हमने AD बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, किस चीज का, ऑफ एंगल BAC. तो हम बोल सकते हैं कि हमें गिवन है दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर इक्वल, रीजन बीइंग कि AD जो है दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और हम लिख सकते हैं ऑफ एंगल BAC. फर्दर हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट the internal bisector of an angle of a triangle divide the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle. यानी हमें प्रूफ ये करना है कि ये AD इंटरनल bisector ऑफ एंगल A BC साइड को D पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये जो रेशियो डिवाइड हुआ दैट मीन्स BD रेशियो DC
दिस विल बी इक्वल टू द साइड्स कंटेनिंग दैट पर्टिकुलर एंगल. और ये कौन कौन सी साइड्स हैं जो उस एंगल को कंटेन कर रही हैं? दीज आर साइड ए बी एंड साइड ए सी. तो बेसिकली इन दोनों रेशियोज को इक्वल प्रूव करना हमारे व्यूअर्स का टास्क है. तो लेट अस सी कि हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं. और इसे प्रूव करने के लिए वी आर मूविंग अहेड विद अ कंस्ट्रक्शन. व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और व्हाट कंस्ट्रक्शन हैव वी डन? जैसा कि हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि वो बीपीटी में कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल साइड्स पढ़ चुके हैं. तो पैरेलल का ही हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं. ए डी के बिल्कुल पैरेलल दिस लाइन सेगमेंट हमने सी ई ड्रॉ किया. तो वी आर ड्रॉइंग सी ई विच इज पैरेलल टू ए डी एंड वी आर प्रोसीडिंग बी ए टू अ पॉइंट ई. डी ए को प्रोसीड इस तरह से करना है कि वो प्रोड्यूस करना है कि वो आपकी सी ई लाइन सेगमेंट को मीट कर रही है. किस पॉइंट पर? पॉइंट ई पर. ऐसा करने के बाद इमीडिएट हमें एक बड़ी ट्राइंगल दिखाई दे रही है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल? लेट अस हाईलाइट दिस ट्राइंगल. द फर्स्ट, दिस इज द बिगेस्ट ट्राइंगल हियर, द ट्राइंगल ई बी सी. और इस ई बी सी ट्राइंगल में हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमने माना है कि ए डी जो है दैट इज पैरेलल टू सी ई. और अगर ए डी और सी ई पैरेलल हैं तो वी कैन डायरेक्टली से विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम बीपीटी क्या बोल सकते हैं हम, दैट ए बी और बी ए डिवाइडेड बाय ए ई इक्वल्स बी डी डिवाइडेड बाय डी सी. क्योंकि ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस के कारण ये रेशियो जो है इक्वल होगा. तो अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था. हमें जो प्रूफ करना है दैट इज ए बी अपॉन ए सी. हेयर वी हैव ए बी अपॉन ए ई. ए ई के प्लेस पर हमें ए सी चाहिए. हाँ, अभी चेक करते हैं दूसरी साइड को. दिस इज बी डी अपॉन डी सी. दिस इज ऑल्सो बी डी अपॉन डी सी. तो जो हमें प्रूफ करना है, अगर हम इक्वेशन नंबर वन से उसे कंपेयर करते हैं, ओनली एंड ओनली दिस ए ई शुड बी इक्वल्स टू ए सी. समहाउ इन दोनों चीजों को इक्वल करने का हमें प्रयास करना है, ए डी एंड ए सी. तो ए डी और ए सी को इक्वल प्रूफ करने के लिए लेट अस फर्स्ट सी केयरफुली पैरेलल जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं इनका एक और रोल क्या रहता है. हम देख सकते हैं कि ए डी पैरेलल है ई सी के एंड ए ई इज द ट्रांसवर्सल लाइन हियर. तो कैन आई से दैट दिस एंगल वन एंड एंगल थ्री बोथ आर इक्वल? अनडाउटेडली येस, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल थ्री एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक इसी तरह से अगर हम व्यू करते हैं हमारे बाकी के दो एंगल्स को, दैट मीन्स दिस एंगल टू एंड लेट अस से दिस इज एंगल फोर. अगर आप एंगल टू और एंगल फोर को व्यू करते हैं सो दे आर फ्रेमिंग अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस. देयरफॉर डेफिनेटली एंगल टू और एंगल फोर भी इक्वल होंगे. रीजन बींग अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स दीज आर वेयर ए डी इज पैरेलल टू सी ई. फर्दर हमें ऑलरेडी गिवन था कि वन टू के इक्वल है. अब इन तीनों इक्वेशंस को लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर वी कैन से इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो इट इज क्लियर टू अस दैट एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, वन थ्री के भी इक्वल है. तो ऑटोमेटिकली टू एंड थ्री बोथ ऑफ दीज एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल. ओके, फर्दर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर है. अभी अभी हमने बात की थी कि एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल आ रहा है. तो टू इज इक्वल टू थ्री, टू इज इक्वल टू फोर. देयर फोर डायरेक्टली एंगल थ्री एंड एंगल फोर बोथ ऑफ दीज विल बी इक्वल्स ड्यू टू दीज थ्री इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर की हेल्प से हम इजीली बोल पा रहे हैं कि यस, एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल. और अगर ये चारों एंगल्स इक्वल है तो डेफिनेटली एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर हम यहां से बोल पा रहे हैं. नाउ इफ वी ऑब्जर्व दिस हाईलाइटेड ट्राइंगल, दैट मीन्स ट्राइंगल ए सी ई. अगर हम इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हैं और इस ट्राइंगल में हम देख पा रहे हैं कि एंगल थ्री एंड एंगल फोर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सो डेफिनेटली द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो एंगल थ्री के सामने जो साइड है दैट इज साइड ए सी एंड दैट इज इक्वल्स टू द साइड ए ई. देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए ई. अब जरा देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था. हमें
एसी और एई, किसी तरह से इन दोनों को ही हमें इक्वल प्रूव करना था, ड्यू टू विच यस दिस इज एसी एंड हियर वी वर हैविंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एई. तो हम यही चाहते थे कि किसी तरह से एई के प्लेस पर हम एसी लिख पाए. सो लेट अस कंसिडर दिस टू बी इक्वेशन नंबर 5. एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 5 वी कैन डायरेक्टली से दैट यस ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, जो हमें प्रूव करना था. नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स अगेन. हमारे व्यूअर्स प्रीवियस सेशन में ये भी जान चुके हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. Corresponding angles means if in this particular question I am saying that angle A is equal to angle D, angle B equals to angle E, that means this angle B equals to angle E, हम इन दोनों को same notation से mark करते हैं, and angle C is equal to angle F. तो जब किसी किन्हीं भी दो triangles के तीनों corresponding angles equal होते हैं और इसी तरह से साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. एज वी कैन सी हियर दैट ए बी अपॉन डी ई, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल्स ए सी डिवाइडेड बाय ए सी, और सी ए ऑल्सो यू कैन से दिस सी ए अपॉन एफ डी इक्वल्स बी सी डिवाइडेड बाय एफ ई. इन दैट केस बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. और इस सिमिलैरिटी को अगर हम सिंबॉलिकली सिंबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ. दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी के कुछ क्राइटेरियाज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. द वेरी फर्स्ट इज एंगल एंगल एंगल. जैसा कि अभी हमने देखा कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है. साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो यहां से ही दो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हमारे निकल कर आ रहे हैं. द वेरी फर्स्ट इज एंगल एंगल एंगल. अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में, जैसा हम यहां पर देख सकते हैं, दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड डेफिनेटली एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ. अगर ये थ्री थिंग्स मैं आपको दे दूंगी तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि येस ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. और अगर ये सिमिलर हैं तो ऑटोमेटिकली बाय सी पी एस टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की हेल्प से आप बोल सकते हैं कि इनकी साइड्स का रेशियो भी जो है वो इक्वल होगा, डेफिनेटली इक्वल होगा. इसी तरह से नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दैट इज एस एस एस, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. डियर व्यूअर्स, साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है इन केस ऑफ सिमिलैरिटी. लेट अस सी एन एग्जांपल. यहां हम देख सकते हैं कि साइड पी क्यू इज गिवन टू बी 2.5 सेंटीमीटर. सिमिलरली इन द अदर ट्राइंगल द साइड डी ई दैट इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर. लेकिन अगर हम देखते हैं साइड क्यू आर को, सो क्यू आर इज प्रोवाइडेड 2 सेंटीमीटर, ई एफ इज 4 सेंटीमीटर. और अगर हम यहां से रेशियो कैलकुलेट करते हैं पी क्यू रेशियो डी ई, we are getting 2.5 upon 5 which is undoubtedly 1/2. ठीक इसी तरह से QR divided by EF that is again 2 divided by 4 or you can say 1/2. and the third side's ratio which is PR divided by DF, अगर आप इन दोनों का भी रेशियो निकालते हैं तो we are getting 1/2. सो ऑल ऑफ दीज रेशियोज आर इक्वल, डायरेक्टली हमें बता रहे हैं कि ट्राइंगल्स की सभी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं. दैट मीन्स ए पी, नॉट ए पी हियर, इट इज पी क्यू डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल्स क्यू आर डिवाइड बाई ई एफ इक्वल्स पी आर डिवाइड बाई डी एफ. और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो इसका मतलब ट्राइंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं, अनडाउटेडली ये सिमिलर होंगी. और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो रिमेनिंग थ्री पार्ट्स, दैट मीन्स एंगल पी डेफिनेटली इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल क्यू विल बी इक्वल टू एंगल ई, और इसी तरह से थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे. नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एस ए एस. जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि दो साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम. तो यहां पर
फिगर की हेल्प से हम देख सकते हैं कि इंक्लूडेड एंगल इज एंगल y एंड एंगल q. इफ वी हैव बीन गिवन दैट एंगल y इज इक्वल टू एंगल q एंड रेशियो ऑफ एक्स वाई विद पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड डिवाइडेड बाई क्यू आर, यानी जो एंगल आपने लिया है उस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स का ही रेशियो इक्वल अगर है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अनडाउटेडली बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल पी, ऐसे ही एंगल जेड इक्वल होगा फिर एंगल आर के, और थर्ड साइड्स भी जो हैं वो सेम रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे. So let us use the same rules which we have studied right now to prove various questions. The very first question here is, हमें दिया गया है, एक figure हमें दिखाई दे रही है. इस figure में it is given to us that ABC is a right angle triangle. देखिए आपको given है that AB is perpendicular to BC. यानी ये angle जो है this is given to be 90 degree. ठीक इसी तरह से DE is also perpendicular to AC. यानी ये एंगल भी जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री. अभी ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, दैट इज वैसे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी ई भी राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल ए बी सी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं. तो इन्हें सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम फॉलो कर सकते हैं. वन इज ट्रायंगल ए डी ई, हमने हाईलाइट कर दिया इस ट्रायंगल को, और ठीक इसी तरह से अदर इज दिस ट्रायंगल एबीसी. अगर हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हम देख पा रहे हैं इजीली दैट एंगल बी एंड एंगल ई बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड द रीजन बिहाइंड दैट बोथ ऑफ दीज आर ऑफ 90 डिग्री राइट एंगल एंगल्स हैं दोनों. नाउ लेट अस सी कि एक और कौन सा पार्ट ऐसा है जो इक्वल होने के कारण हम बोल सकेंगे कि हमारे ट्रायंगल सिमिलर हैं. डियर व्यूअर्स, जब हमने यहाँ पर बात की थी ए ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की, तो आप ए ए ए और ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी से बोल सकते हैं. रीजन है इसके पीछे, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री. और अगर तीनों एंगल्स का सम ही 180 डिग्री है, उनमें से दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल को भी इक्वल होना ही पड़े. लेट मी से वन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज 80 डिग्री, दूसरी ट्राइंगल के लिए भी 80 डिग्री है. पहली ट्राइंगल में एक 70, दूसरी में भी एक 70 है, तो ऑटोमेटिकली तीनों एंगल्स का सम 180 होने के कारण द थर्ड एंगल फॉर बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स विल बी 30 डिग्री. ऑल राइट, सो लेट अस प्रोसीड अहेड. तो इस क्वेश्चन में अगर आप किन्हीं दो एंगल्स को भी इक्वालिटी प्रूव कर देते हो तो अंडरस्टूड है कि थर्ड एंगल भी इक्वल होगा. तो हम देख सकते हैं यस दिस एंगल ए इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स, सो यू कैन से दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, क्योंकि वो दोनों ही ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है, और जब कॉमन है तो इक्वल होगा ही अनडाउटेडली. देयरफॉर बाय ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन सिंपली से दैट यस ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle AED. ध्यान रखेंगे कि जब भी आप सिमिलैरिटी लिख रहे हैं तो corresponding parts को corresponding parts के सामने ही लिखें. That means हमने बात की थी कि angle A and angle A are equal, तो A के बिल्कुल सामने A ही mention होगा. B E के equal है तो मैं B के सामने यहाँ पर D और E opposite नहीं places पर नहीं ले सकती, मैं E D ही लिखूंगी. So hence proved. ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है. यहाँ पर कुछ प्रूफ नहीं करना बल्कि हम कोई चीज फाइंड करना चाहते हैं. व्हाट इट इज इन दीज टू ट्रायंगल्स, विच टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स तो यहाँ पर थ्री बन रहे हैं, बट हमें जिन दो ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल दिए हैं हम उन दो ट्रायंगल्स को लेकर चलते हैं. दैट इज ट्रायंगल ए डी सी एंड द बिगेस्ट ट्रायंगल ए बी सी. इन दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल ए सी बी, दैट मीन्स दिस कंप्लीट एंगल इक्वल गिवन है दिस एंगल. और अगर हम कॉमन एंगल सर्च करने की कोशिश करते हैं, दिस इज द स्मॉलर ट्रायंगल
हेयर इज द बिगर ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अनडाउटेडली एंगल ए जो है दैट इज कॉमन. अगर ये कॉमन है तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं. ध्यान रखेंगे सिमिलैरिटी मेंशन करते हुए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप बिल्कुल प्रॉपरली लिखेंगे. दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए के सामने ए ही होगा बिकॉज दैट इज कॉमन. बड़ी ट्राइंगल से एंगल सी इक्वल्स टू द एंगल डी, सो वी कैन राइट इट एज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं सो बाई सी पी एस टी वी कैन सिंपली से दैट येस ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल्स ए सी डिवाइड बाई ए डी इक्वल्स बी सी डिवाइडेड बाई सी डी. अभी जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड थिंग विच इज बी डी. ऑल राइट, देर इज अ थियरम अहेड. व्हाट द थियरम इज, हमें प्रूव करना है दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स पहले से सिमिलर गिवन हैं. तो मैं सिंपली यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज गिवन टू अस. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अनडाउटेडली साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी एंड द एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल. लेट अस कंसिडर इट टू बी क्वेश्चन नंबर वन. लेकिन हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है एंड लेट अस राइट इट हियर. हमें प्रूफ करना है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल प्रूफ करना है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स, किसी चीज के स्क्वायर के और किस चीज के ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. दैट मीन्स ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर और यू कैन से बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर स्क्वायर और वी कैन से ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई पी आर स्क्वायर. दिस इज द थिंग विच वी वॉन्ट टू प्रूव. तो ये प्रूव करने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला हमारे सभी व्यूअर्स जानते हैं. हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है. व्हाट दैट कंस्ट्रक्शन इज, वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर ए एम एंड परपेंडिकुलर पी एन टू द साइड्स बी सी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली. Due to which we are able to get that the area of ABC is half into BC into AM and area of PQR is half into QR into PN. Undoubtedly half and half cancel हो जाएंगे. ये भी हमारे viewers देख पा रहे हैं कि मुझे prove करना है BC square upon QR square. तो BC upon QR है हमारे पास but AM upon PN नहीं है. तो ए एम अपॉन पी एन को किसी तरह से या तो बी सी अपॉन क्यू आर या तो ए बी अपॉन पी क्यू या तो ए सी अपॉन पी आर की मोड में हम चेंज करना चाहेंगे. सो फॉर विच हम प्रूफ करेंगे दैट दी स्मॉल ट्राइंगल्स ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन आर सिमिलर. इजीली हो रही है, देखिए बी एंगल क्यू एंगल के इक्वल है, एंगल एम एंगल एन के इक्वल है 90 डिग्री ईच. और अगर हैं तो बाय एंगल एंगल ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रही हैं. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रही हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन इक्वल्स टू बी एम अपॉन क्यू एन. अब एक छोटी सी चीज़ मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स ध्यान से ऑब्जर्व करें दैट दिस इज ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन. तो यहाँ ए एम अपॉन पी एन के प्लेस पर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू. ठीक इसी तरह से दिस इज ए बी अपॉन पी क्यू, दिस इज बी सी अपॉन क्यू आर, दिस इज बी सी अपॉन क्यू आर. तो बी सी अपॉन क्यू आर के प्लेस पर भी हम मेंशन कर सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू. ऐसा करने भर से हमें जो प्रूफ करना था कि एरियाज शुड बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू स्क्वायर, वी आर एबल टू प्रूव दिस. So this is all for today. I would like बिल्कुल to sum it up here. जी सविता मैम, हमें उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे थे उन्हें ये समझ में आ गया होगा. आज का जो ये चैप्टर है ट्राइंगल कंप्लीट हो गया हमारा. तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद मैम. जी धन्यवाद. डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले हम बताना चाहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट G20 से रिलेटेड. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit.
for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in our history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam, or the world is one family. और हमारा आज का ये मैथ्स का सेशन यही समाप्त होता है, लेकिन अभी बहुत सारे सत्र और भी हैं और हमारा जो अगला सत्र होगा वो है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का और शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामाचरण दुबे की। तो कुछ ही पलों के अंतराल के बाद फिर से हम उपस्थित होंगे, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल पर और देखते रहिए हमारा ई विद्या चैनल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।